इसमें ला रान रहीम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया एज वेल ये आप लोग एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू स्टडी दिस एरिया कि थोड़ा सा इसके फियर्स भी देखे जाते हैं बिकॉज जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट्स के साथ तो वो थोड़ा सा इससे घबराते भी हैं बट वंस यू आर थ्रू विद इट देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड लर्निंग द टॉपिक इज़ डेरीवेटिव कई लोग इसको थोड़ा ड्रैकुला और इस तरह के नामों से भी जानते हैं बट इट्स नॉट लाइक दैट बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अटेंशन टू इट एंड देन वी नीड टू फॉलो इट डेरिवेटिव्स डेरिटि डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंस टर्म विच इज मेन द वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम समथिंग थिंग्स इन इट्स डेरिवेटिव इज नथिंग इट्स बेसिकली कि किसी अंडरलाइन के साथ अटैच किया जाता है ये डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज वैल्यू इज डिराइव फ्राम एन अंडर लाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स यानी कि इन इट सेल्फ कोई वैल्यू नहीं है इसका लिंक है किसी पर्टिकुलर एसेट से या पोर्टफोलियो से दे आर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन और टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज इसमें एक पार्टी होगी उसका दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा देन वीट से दे आर इंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देट डेरिवेटिव इज इन प्लेस वील बी स्पेंडिंग सम टाइम इन इट तो स्लोली इसको आपने बिल्ड करना है साथ साथ आपने इसकी थोड़ी सी रिसर्च भी स्टार्ट करनी है कि मार्केट में इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या है डेरिवेटिव इज द फाइनेंशियल दैट ड्राइव एज इट सेज उसकी परफॉर्मेंस जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसकी वैल्यू उसके साथ लिंक है अंडर के साथ तो इसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अंडर की परफॉर्मेंस के साथ लिंक होगी अगर स्टॉक के साथ आपने डेरीवेटिव लिया हुआ है स्टॉक बर्ड है और आपका डेरीवेटिव पॉजिटिव साइड वाला है तो यू विल बी गेनिंग आउट ऑफ इट और इट कैन बी अदर वे राउंड सो इट्स लिंक डेरिवेटिव किन किन इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है या किन किन एसिड क्लासेस पे हो सकता है सो यू विल बी सरप्राइज यू नो इट्स वर्चुअली कवर ऑल द फाइनेंशियल एसेट्स इनवॉल्व सो इट इज डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन इक्विटीज डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन फिक्स इनकम करेंसीज कमोडिटीज एंड लिस्ट गोज ऑन और अब हम बात करेंगे कि कुछ डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव्स हैं लाइक वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के साथ लिंक किए जाते हैं देन वी हैव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देन वी हैव स्वैप्स इन सब लफ्ज़ों से घबराना नहीं है क्योंकि हमने इन सब पे बहुत टाइम लगाना है विल बी लर्निंग दैम इन ग्रेट और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि फॉर्वर्ड जो है वो स्टॉक के साथ होगा फ्यूचर जो है वो बॉन्ड के साथ होगा ऐसा नहीं है फॉरवर्ड स्टॉक के साथ भी होगा फॉरवर्ड तो जो है करेंसीज के साथ भी होगा यानी कि एक डेरिवेटिव सारे एसिड क्लासेस के साथ होगा और वही सारे एसिड क्लासेस दूसरे डेरिवेटिव के साथ भी लिंक होंगे सो इट्स जस्ट अ क्रॉस डायगनल एंड स्ट्रेट रिलेशनशिप दैट मीन आर मैनी डेरीवेटिव फॉर मैनी फाइनेंशियल एसेट्स तो ये कंटिजेंट क्लेम से लिंक होता है कंटिजेंट क्लेम मीन के किसी का होना ना होना उस कि सब्जेक्टिव हो दूसरे इवेंट के साथ तो दैट्स रेफर टू एज कंटिजेंट क्लेम दे आर फोर मेन रीजन टू यूज डेरेवेटिव ये इंपॉर्टेंट बारे कि हम इनको यूज क्यों करेंगे फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट जो मेन ड्राइव है जो कि हमारे सब्जेक्ट की भी थीम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं इसलिए डेरेवेटिव इज लाइक हार्ट ऑफ इट तो रिस्क मैनेजमेंट में ये हमें हेल्प आउट करता है और हमारा ये टूल है मेन यूज इफेक्टिवली डेरेवेटिव कैन यूज टू इंश्योर और हैज रिस्क आपका मतलब रिस्क को वो मैनेज कर रहे होते हैं इन एडिशन डेरीवेटिव स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं आपको लग रहा है कि एक करेंसी ने ऊपर जाना है आप वो बाय कर लें तो यू कैन गेन आउट तो इनपे हम बहुत टाइम लगाएंगे तो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ डेरीवेटिव थैंक यू